बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक अच्छा कदम लिया गया है पैमरा की जानिब से और मैं चाहती हूँ उसको सामने लेकर आऊँ, क्योंकि हर घर में टीवी है और पाकिस्तानी ड्रामास जो हैं वो बहुत शौक़ से देखे जाते हैं। पाकिस्तानी ड्रामे जो हैं ये एक ज़माने में बड़ी एक इनकी मिसाल होती थी और इन ड्रामों के अंदर से सबक भी मिलता था, लेसन मिलता था, मुआशरे के अंदर क्या कुछ हो रहा है वो भी पता लगता था। हमारे मुआशरे का एक रुख बहुत ही खूबसूरत है, पाकिस्तान, इस्लामिक कल्चर, जॉइंट फैमिली सिस्टम, बड़ों का अदब, छोटों से प्यार, लेकिन एक वो रुख है जिसको हम चाहते हैं कि बस उसके बारे में हम बात ना करें। अलबत्त हम ये ज़रूर चाहते हैं कि इंसाफ मिले। गुज़िश्ता दिनों मैंने कुछ ऐसी वीडियोस की जिनको करके मेरा खुद दिल जो है बहुत तकलीफ़ में रहा, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, और एक के बाद एक वीडियो, एक के बाद एक ऐसा मौजू आ रहा था, कई दफ़ा दिल करता था कि इस पर बात ना करें लेकिन अंदर से आवाज़ आती थी कि नहीं, इस पर बात करनी है। हमारे ड्रामास जो है वो बड़े मानी रखते हैं और आप चाहे इस बात को माने ना माने, एक बड़ा जदीद दौर आ गया, हर एक के हाथ में फ़ोन है, सोशल वर्ल्ड जो है वो इतना फास्ट हो चुका है, ये सोशल मीडिया, ये ट्विटर, ये फेसबुक, ये यूट्यूब, और बहुत तेज़ी से ड्रामास देखना, एक के बाद दूसरी स्किप करना एड्स को। लेकिन यही ड्रामे इस वक्त जो पीटीवी पर या मुख्तलिफ चैनल्स पर, ARY, जियो, हम, ये बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे दिखा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे दिखा रहे थे, अभी भी दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे ड्रामास जो है वो तवातर से आने शुरू हो गए और कुछ उनको पजीराई ऐसी मिली, कुछ सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर इनकी ऐसी तारीफ़ों के पोल खोले गए, तारीफ़ों की एक ऐसी बुछाड़ की गई, माजत के साथ, पोल तो नहीं, और उसके बाद वो ड्रामास जो है वो बहुत हाइप पकड़ गए। अभी इस वक्त जो ताज़ा वाकया है वो ये है कि पैमरा ने एक जलन नामी ड्रामे को उसको उस पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है, क्योंकि उसके हवाले से बहुत सी शिकायत मौसूल हो रही थी। इन ड्रामास के, जैसे कि मैंने कहा, बहुत इम्पैक्ट होते हैं, लेकिन पहले ज़रा इन ड्रामास के ऊपर आ जाते हैं। अभी तो ये सिर्फ जलन की बात हुई है, इससे पहले दो ड्रामे और थे, इश्किया और प्यार के सदके। प्यार के सदके और इश्किया तो ड्रामास जब ख़त्म हो गए उसके बाद ख्याल आया कि ये जो काम है, ये इसमें जो दिखाया जा रहा है, ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, उनकी रिपीट टेलीकास्ट पे तो पाबंदी लगा दी गई। लेकिन अब ये जो ड्रामा है जलन, ये अभी ऑन एयर था, चल रहा था, इनको बार बार नोटिसेस दिए गए कि इनको आप हमारे जो मुआशरती इकदार हैं उनके मुताबिक करें, लेकिन नहीं जब किया गया तो फिर अब इस ड्रामे पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है और एक मुरासला जो है तमाम चैनल्स को जारी किया गया है कि आप इन पैरामीटर्स के अंदर रह कर ड्रामे बनाएं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन ड्रामों के अंदर हो क्या रहा था। ये जो ड्रामा है इश्किया और प्यार के सदके, प्यार के सदके एक ड्रामा ऐसा था जिसमें मेरी अपनी एक ज़ाती राय है कि उसके अंदर कोई इतना ज़्यादा कुछ नहीं उस तरह से था, लेकिन शायद कुछ लोग अगर उसको उस नज़रिए से देखें तो एक ससुर जो है, जो कि स्टेप फादर है उस लड़के का, वो उसकी बीवी के ऊपर गलत नज़र रखता है, तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बड़ा नापसंद किया गया है कि ये चीज़ जो है इस मुआशरे में नहीं दिखानी। ये बात दुरुस्त है किसी हद तक कि जब लोग कहते हैं कि बहुत सी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द ऐसी हो रही होती हैं जिनके बारे में हमें अवेयरनेस होनी चाहिए और उनके बारे में लोगों को पता होना चाहिए कि ये सब कुछ हो रहा है, यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन जब ड्रामों को इस तरह से ड्रामेटाइज किया जाए कि वही चीज़ आपको फैसिनेट करने लग जाए, वो आपके जहनों पर नक्श छोड़ जाए, तो वो बहुत गलत हो जाता है। एक खबर आप पढ़ते हैं उसका इम्पैक्ट और होता है, एक ड्रामा जब आप देखते हैं जिसके अंदर आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हुए होते हैं, जिस तरह इस वक्त अर्तुगरुल चल रहा है और लोगों की कितनी अटैचमेंट होगी उन कैरेक्टर्स के साथ, आपके घर का वो हिस्सा बन जाते हैं, आपको अपने ज़िंदगी का वो हिस्सा महसूस होने लगते हैं किरदार, आप उन ड्रामों का इंतज़ार करते हैं, तो फिर एक ऐसा ड्रामा जो आपके जहन पर एक ऐसा नक्श छोड़ जाए कि आहिस्ता आहिस्ता गैर मुतासर अंदाज में एक वक्त ऐसा आए कि आपको अंदाज़ा हो, शायद आपको मालूम भी ना हो, आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने लग जाएं, फिर आप कहें अच्छा ऐसा हुआ था तो क्या है, ऐसा तो होता रहता है, और ऐसा होता है, ये ह्यूमन साइकी है। जो चीज़ आपको इतनी कॉमन करके दिखाई जाए, क्योंकि ये चीज़ कॉमन नहीं है एक्चुअली, अगर कोई नेगेटिव ये काम हो रहे हैं तो ये इतने कॉमन नहीं है, अगर हम उनको खोल के बयान करना शुरू कर देंगे फिर ये कॉमन हो जाएंगे, फिर हर घर में से निकलेंगे, ये शायद कुछ जगहों पर वहाँ तक सोच ही नहीं पहुँची होगी, फिर ऐसा नहीं होगा कि दूसरी तरफ से तो गलत काम जो हो रहे हैं जो इस तरफ से जिन्होंने नहीं सोचा उनके जहन में वो नेगेटिविटी बैठ जाएगी कि उनको हर बंदा उस तरह का लगेगा, उस बच्ची को जो नए घर में जा रही होगी शादी करके, उसको अपने ससुर के अंदर वो शख्सियत नज़र आ रही होगी, ये भी होता है।
अब ये जो दूसरा ड्रामा इश्किया, इसमें वो जो एक लड़का है वो अपनी जो दोस्त जिससे वो शादी करना चाहता है, जब उससे शादी नहीं हो पाती, जो भी मामला बीच में चल रहे होते हैं, और उसके बाद वो उसकी बहन से शादी करता है, फिर वो जो अजीब से मामला एक चलते हैं। उसके बाद एक और ड्रामा है, ये जो जलन है, ये तो इंतहाई, मैं तो इसको बहुत कंडेम करूँगी। मैं इस ड्रामे को, ये जब शुरू हुआ है तो मैं कहती हूँ कि कोई भी बंदा पता नहीं इस ड्रामे को देखेगा कैसे। इस ड्रामे के अंदर कुछ ऐसे सीन्स, और सबसे बढ़ के जो इसके अंदर जो कहानी है वो ये है कि एक बहन है, उसकी शादी बहुत अच्छे ख़ानदान में हुई है, और दूसरी बहन जो है उसकी नॉर्मल अपने बराबर के अपने कज़न से शादी हुई है, और वो अपने कज़न के स्टेटस को उसके स्टेटस के साथ देख के अपनी बहन की लाइफ को बड़ा एडमायर करती है, और उसके मियाँ पे डोरे डालने की कोशिश करती है, और फाइनली जो उसके बाद मामला चलते हैं जिस तरह भी। तो ये पहली बार में देख के एकदम झटका सा लगा, यानी कि ये चीज़ जो है ये तो सोचने को भी इंसान का दिल ना करे, लेकिन आपने उस चीज़ को दिखाकर उस चीज़ को आप आहिस्ता आहिस्ता कॉमन कर देंगे। फिर जब कभी अगर किसी बहन को अपनी बहन का मियाँ अच्छा लगेगा तो वो किसी वक्त सोचेगी अच्छा क्या है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। मतलब आपने मुआशरे के अंदर बेहतरी लानी है, इस्लाह करनी है, जो गलत हो रहा है वो हो रहा है उसको कंडेम करें, उसको ख़त्म करने की कोशिश करें, लेकिन उसको दिखा दिखा के इम्यून ना कर दें लोगों को। कुछ ड्रामे हैं जो बहुत अच्छे हैं। अब एक ड्रामा है वो गुजरा है, मैं अभी उसका जिक्र करूँगी, तो बहुत मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने नहीं देखा होगा, जिसके डायलॉग्स बड़े मशहूर हुए थे, और वो ड्रामा जो है मेरे पास तुम हो। मेरे पास तुम हो के अंदर क्या दिखाया गया था, बीवी है, शौहर बहुत अच्छा है, और वो जो बीवी है वो जाके अपने बॉस के साथ जो भी उसके रिलेशंस हैं, और उसके बाद वो सब कुछ, बेशक एंड ऑफ द स्टोरी आप दिखा देंगे कि जी उसके साथ यूं हुआ, लेकिन आपने उस सारी चीज़ को दिखा के मुआशरे के अंदर एक शकु को शुभात भी पैदा कर दिए। हर ऑफिस में काम करने वाली लड़की को उसका मियाँ, उसका भाई शक की नज़र से देखे, और ऐसा होता है। आप ये मत कहिए कि कोई बच्चे थोड़ी हैं, देख रहे हैं, सब दुनिया में काम होते हैं, मालूम होना चाहिए, ऐसा नहीं है, सब दुनिया में काम हो रहे होते हैं, लेकिन इस्लाह का जो एक चीज़ है, इस्लाह वो ज़्यादा होनी चाहिए। ड्रामे ऐसे बनने चाहिए जिनके अंदर इस्लाह का पहलू हो, जिनके अंदर लोगों को आप इन्फॉर्मेशन इम्पार्ट करें लेकिन अच्छी इन्फॉर्मेशन इम्पार्ट कर रहे हो, बुराई के खिलाफ नफरत पैदा हो रही हो। ठीक है, आप कहेंगे उस ड्रामे के आखिर में आपको नफरत हुई इस करेक्टर से, लेकिन आपने दिखाकर जो मुआशरे के अंदर एक शकु को शुभात और वो चीज़ें जो आपने पैदा की, तो वो भी कुछ कम नहीं किया आपने। तो ये बहुत अच्छा काम है जो पैमरा ने किया है। एटलीस्ट अपने मुल्क के अंदर सब कुछ मौजूद है आपके फ़ोनों में, सब कुछ मौजूद है सोशल मीडिया में, लेकिन हमें अपनी इस्लाह करनी है, और हमें दीन के उस मुताबिक, उस कहने के मुताबिक चलना चाहिए कि जिसमें मोमिन की मिसाल अल्लाह पाक ने ये बयान की है कि जब वो बुराई के पास से गुज़रता है तो अपना रुख मोड़ लेता है, वो ऐसे गुज़र जाता है जैसे वो वहाँ मौजूद ही ना था। तो वो वाला किरदार अपने अंदर पैदा कीजिए। ये जो हमारे बड़े बड़े चैनल्स, जो ड्रामा हाउसेज हैं, ये जो सब कुछ है, इनको भी चाहिए कि ये चीज़ें लोगों के अंदर पैदा करें। अलिफ बहुत अच्छा ड्रामा था, एक उसके अंदर सूफीज़म का टच था, और इस तरह के ड्रामे, मैं ये नहीं कहती कि आपसे सूफीज़म की तरफ चले जाए, मुआशरे में सुधार कैसे लाई जा सकती है, बहुत से अच्छे ड्रामे थे जिनके अंदर बहुत कुछ मौजूद था। बहुत मुझे तो चीख बहुत पसंद था, उसके अंदर बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली कि पुलिस जो है किसी एक शख्स को किस कदर ट्रैप कर सकती है, लेकिन उसका काउंटर करना आया, सच के साथ खड़ा होना आया। तो इन चीज़ों को देखिए, और ये बहुत ही अच्छा कदम है पैमरा का। अब इसके ऊपर उन्हें स्टेबल रहना है, ना कि ये कि प्रेशर में आके या किसी के कहने में आके इस चीज़ को ख़त्म करें। हम ऐसे ड्रामे नहीं देखना चाहते, एटलीस्ट जलन जैसे ड्रामे मैं समझती हूँ कि बिल्कुल नहीं दिखाए जाने चाहिए। ये ऐसे ड्रामे जिनको देख के आपको घुटन होने लगती है, ऐसे ड्रामे हमें नहीं ज़रूरत है। ये बहुत अच्छा कदम है, आई अप्रिशिएट, एंड आई होप कि आप भी इसे अप्रिशिएट करेंगे। थैंक यू सो मच, मुझे बहरीन सप्ताह को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।